ये चौराया मेन है, रामपुर का मेन चौराया जो है किले गेट है। सही है, आपने रिक्शे लगवाए, रिक्शे बंद करा दिए, हमें बहुत परेशानी हुई, चार महीने अपने घर से खाई हमने, कोई सुनने वाला नहीं है। सही है, आपने रिक्शे बंद कराया, सही है सर, आपने रिक्शे बंद करा दिया, हमें कोई परेशानी नहीं है, अच्छा हुआ है बाजार खुलना है। अब यहाँ पर रोज भेड़ रहा है, 8 बजे आ रहा है, आप देखना शुरू कर चुके हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं ये वीडियो तो हमें लाइक करें, और अगर ट्विटर और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। शहर रामपुर नवाबों का शहर रामपुर, लेकिन रामपुर शहर के व्यापारी जो हैं आज सड़कों पर उतर आए। क्या बात थी आखिर, क्यों रामपुर शहर के जो व्यापारी हैं उनको सड़कों पर आना पड़ा? ये क्या बात थी कि रामपुर के व्यापारियों को अपनी दुकान छोड़कर जो है वो प्रदर्शन करना पड़ा? वैसे तो रामपुर के हर चौराहे हर नुक्कड़ पे आपको पुलिस की चेकिंग होती मिल जाएगी, वाहन चेकिंग करते पुलिसकर्मी मिल जाएंगे, लेकिन दुकानदारों का जो हवाला था वो कोतवाली क्षेत्र के हमिद गेट रोड पर जो चेकिंग हो रही है, दुकानदार जो हैं वो उससे परेशान हैं। दुकानदारों का कहना ये है कि इस चेकिंग की वजह से जो कस्टमर्स हैं वो दुकानों तक नहीं आ रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं वो बाज़ारों तक नहीं आ रहे हैं, कस्टमर्स के अंदर जो है वो खौफ है, कस्टमर्स के अंदर भय है, इस वजह से वो मार्केट नहीं आ रहे हैं। इस चेकिंग से दुकानदार परेशान रहे, दुकानदारों ने अब परेशान होकर जो है ये फैसला किया कि आज जुमे की नमाज के बाद जो है ये लोग जो है वो प्रदर्शन करेंगे, ये लोग जो हैं ये अपनी बात जो है वो प्रशासन तक रखेंगे। युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सैयद फैसल हसन ने कहा है कि शहर की गलियों में चेकिंग नहीं होना चाहिए। बेशक पुलिस जो है वो चौराहों पर चेकिंग कर सकती है, लेकिन शहर की इन तंग गलियों में चेकिंग ना करे। शहर की चेकिंग के वजह से जो है वो पूरा व्यापार चौपट हो रहा है, तो इस जाम को खुलवाने के लिए शहर कोतवाल को पहुंचना पड़ा। शहर कोतवाल ने जो है वो दुकानदारों को आश्वासन दिया, उसके बाद जो है ये जाम खुला। दोस्तों अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको क्या लगता है इस चेकिंग के बारे में, आपके अपने क्या विचार हैं।